Hello students, today we are going to discuss casting yield and riser design. So why casting yield is important? सबसे पहले हम casting yield देखेंगे. Casting yield basically हम economics of the foundry के लिए check करते हैं. Foundry shop हमारा जिसमें हम लोग castings prepare करते हैं उसे कहते हैं. तो economics का मतलब होता है कि कितना effectively हम लोग resources का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. मान लीजिए ये हमारा गेटिंग सिस्टम है. ये पोरिंग कप हो गया, ये स्प्रू हो गया, स्प्रू बेस, ये रनर और ये हमारा मोल्ड कैविटी और ये राइजर हो गया. अब यहां पे देखना है कास्टिंग यील्ड क्या होता है. तो कास्टिंग यील्ड का फॉर्मूला होता है, सीवाई से डिनोट करते हैं इसे. कास्टिंग यील्ड का फॉर्मूला होता है मास और वॉल्यूम ऑफ द फाइनल कास्टिंग, मास और वॉल्यूम ऑफ द फाइनल कास्टिंग डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ द मोल्टेन मेटल पोर्ड, मास और वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल पोर्ड. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मोल्ड कैविटी है, तो इसको इस कास्टिंग को बनने के लिए कितना मास चाहिए था, तो वो हो गया न्यूमरेटर में. और जो हमारा मोल्टेन मेटल जितना हमने मेल्ट करके पोर किया है इस पूरे सिस्टम में, वो टोटल मोल्टेन मेटल हो गया हमारा मास और वॉल्यूम ऑफ द मोल्टेन मेटल पोर्ड. एक्चुअल में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा फाइनल कास्टिंग ये होता है. ये जो हमारा मोल्ड कैविटी है यही हमारी फाइनल कास्टिंग होती है. लेकिन इस पर्टिकुलर कास्टिंग को बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मोल्टेन मेटल पोर करना पड़ता है सिस्टम में, जैसे कि जो भी श्रिंकेजेस हो, लिक्विड श्रिंकेज होता है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है, वो राइजर की हेल्प से हम कंपनसेट कर सके. तो ये वैल्यू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट. ये वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग हो गया हमारा, जो फाइनल हमारा बना वो न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग. नीचे क्या आएगा, मास और वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल पोर्ड, जितना भी हमने मास पोर किया है इस पूरे गेटिंग सिस्टम में, तो उसमें ये भी आएगा. और जो हमारा मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होकर के कुछ पोरिंग बेसिन में, कुछ स्प्रू में, कुछ रनर में और कुछ राइजर में बच जाएगा, उसे हम वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट कहेंगे. तो यहां पे हमारा मेन पर्पस ये होता है कि कास्टिंग यील्ड हमारा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा रहेगा. कास्टिंग यील्ड हमारा जितना ज्यादा हो उतना इकोनॉमिक्स के लिए हमारे अच्छा रहेगा. तो कास्टिंग यील्ड ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट है इसको बहुत कम करना पड़ेगा. जब वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट हमारा काफी कम हो जाएगा तो कास्टिंग यील्ड हमारा ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा. हमेशा हम लोग बेटर इकोनॉमिक्स के लिए कास्टिंग यील्ड ज्यादा चाहते हैं. अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कास्टिंग यील्ड को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है जो फैक्टर्स हमारे कास्टिंग यील्ड को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है टाइप ऑफ मेटल्स से हमें यह पता चलता है कि इस पर्टिकुलर मेटल का वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कितना है. तो अगर मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है किसी पर्टिकुलर मेटल का, इसका मतलब काफी ज्यादा वो श्रिंक करेगा जब फाइनल कास्टिंग उसकी कंप्लीट होगी. इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल को हमको मेल्ट करना पड़ेगा,
राइजर में भी हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इससे पता चल जाता है कि कौन सा मेटल है जिसमें सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका मतलब हमें मेटल ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कास्टिंग। अगर हमारा कास्टिंग जो हम बना रहे हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कास्टिंग, जो कास्टिंग हम तैयार कर रहे हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स शेप का है, तो कॉम्प्लेक्स शेप का होने के कारण हमें नंबर ऑफ राइजर्स उसमें बढ़ाने पड़ेंगे। जब हमें उसमें नंबर ऑफ राइजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इसका मतलब फिर हमें जो हमारा मेटल है जिसको हमें मेल्ट करना है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम फिर से ज्यादा मेटल लेंगे, यानी गेटिंग एलिमेंट्स में ज्यादा मेटल्स हमारे सॉलिडिफाई हो जाएंगे, यानी गेटिंग एलिमेंट्स का जो वैल्यू है बढ़ जाएगा और कास्टिंग यील्ड वहां पे हमारा घट जाएगा। तो अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है हमारा कास्टिंग तो हमारा कास्टिंग यील्ड घटता है, बट हमारा जो मेन पर्पज होता है वो कास्टिंग यील्ड को ज्यादा रखना होता है, जिससे कि हमें इकोनॉमिक्स में फायदा होता है। कैसे इकोनॉमिक्स में फायदा होगा? बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा मेटल हम लोग मेल्ट करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ज्यादा लेबर ओरिएंटेड रहेगा, सॉलिडिफाई होने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस तरह से हमारी इकोनॉमिक्स अफेक्ट होती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड मेटल्स, कास्टिंग यील्ड वैल्यूज की क्या क्या होती है। तो हैवी कास्टिंग्स और सिंपल शेप के लिए जो कास्टिंग यील्ड की वैल्यू होती है वो वेरी करती है 0.85 से 0.95 तक। अगर मैं कास्ट आयरन की बात करूं, जिसमें कि मशीन पार्ट्स की बात करूं, तो उसकी कास्टिंग यील्ड वैल्यूज होती हैं 0.65 टू 0.75। स्मॉल पार्ट्स की बात करूं कास्ट आयरन में, तो उसका कास्टिंग यील्ड होता है 0.45 से 0.55। अगर स्टील की बात करें तो स्टील के मशीन पार्ट्स की कास्टिंग यील्ड की वैल्यू होती है 0.55 से 0.65 तक। और स्मॉल पार्ट्स की बात करें तो उसकी कास्टिंग यील्ड की वैल्यू होती है 0.35 से 0.45 तक। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो काफी कम कास्टिंग यील्ड वैल्यू होती है एल्यूमिनियम की, क्योंकि काफी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है एल्यूमिनियम गेटिंग सिस्टम्स में हमारे, तो इसकी वैल्यू होती है कास्टिंग यील्ड की 0.25 से 0.45। चलिए अब देखते हैं राइजर डिजाइन के बारे में, राइजर की डिजाइनिंग क्यों आवश्यक है। देखते हैं, टू फीड द मोल्टन मेटल टू मोल्ड इन लेटर स्टेजेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन टू टेक केयर ऑफ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेजेस। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैंने कूलिंग कर्व आप लोगों को बहुत पहले बताया था, अगर ध्यान हो आप लोगों को, तो कूलिंग कर्व में ये टेम्परेचर होता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमारा टाइम होता है। तो इस कूलिंग कर्व में नॉर्मली अगर प्योर मेटल्स की बात करें तो वो एक ही टेम्परेचर पे उनका सॉलिडिफिकेशन होता है, तो इस प्रकार का कुछ कूलिंग कर्व हम प्राप्त करते थे, जिसमें कि ये टेम्परेचर हमारा पोरिंग टेम्परेचर होता था टीपी, ये टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता था, और ये टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होता था। तो राइजर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, मान लीजिए ये हमारा कास्टिंग है फाइनल, और पैटर्न की सहायता से हमने ये कैविटी तैयार की है, यहां इसके ऊपर राइजर लगाया है हमने, तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे लिक्विड जो है वो अपनी हीट रिलीज करता है, जैसे जैसे वो हीट रिलीज करता है तो वो श्रिंक करता है, उसके बाद वो इस टेम्परेचर पे आता है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। तो यहां पे जो श्रिंकेज होता है उसे हम लोग लिक्विड श्रिंकेज बोलते हैं, इसे हम लोग लिक्विड श्रिंकेज बोलते हैं। उसके बाद यहां पे जो श्रिंकेज होता है उसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज बोलते हैं, दिस इज आवर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। इसका मतलब जो हमारा मोल्टन मेटल है वो श्रिंक कर रहा है। तो यहां से मान लीजिए यहां
यहाँ से हमारा सबसे पहले मोल्टेन मेटल आता है यहाँ से, और सबसे पहले वो नीचे वाले स्पेस को फिल करता है। तो नीचे वाले स्पेस को अगर वो फिल कर रहा है, यानी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ऐसे फिल करते करते नीचे वाला तो सॉलिडिफाई हो गया, धीरे धीरे वो राइजर तक पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद जब ये ऊपर वाला पोर्शन, मान लीजिए नीचे वाला पोर्शन सॉलिडिफाई होते होते यहां तक पहुंच गया, इस पोजीशन तक, उसके बाद जब ये ऊपर वाला पोर्शन पोजीशन जो है, ये जो वैकेंट पोजीशन है, ये श्रिंक जब करता है, यानी इसमें जब सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है, उस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए राइजर की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से हम लोग राइजर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि नीचे से जब सॉलिडिफाई होना वो स्टार्ट हुआ, लेकिन जब लेटर स्टेजेस, जब फाइनल स्टेज पहुंचता है, तो यहां पे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर से पूरा मोल्टेन मेटल आया हुआ था, तो ये फिल होता गया होता गया। लेकिन यहाँ पे जो लेटर स्टेजेस में, जब टॉप पोर्शन जो बचा हमारा, वो जब श्रिंक करेगा, लिक्विड श्रिंकेज यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा, उस केस में राइजर हमारे मोल्टेन मेटल को यहाँ पर भेज करके लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करेगा। उसी के साथ राइजर डिजाइन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत जरूरी है। सुटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट रहने की वजह से ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है, यानी सॉलिडिफिकेशन पहले यहां होता है, फिर ऊपर होता है, फिर ऐसे ऐसे ये सॉलिडिफिकेशन ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यहां पे कोई फिर कैविटी नहीं बचेगी नीचे, जिससे कि कोई डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट का होना बहुत आवश्यक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेटल्स हैं जिसमें राइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो फॉर एन एग्जाम्पल चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कास्ट आयरन की, उसके बाद हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं, उसके बाद स्टील की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कास्ट आयरन की बात करते हैं, नॉर्मली तो नॉर्मल कास्ट आयरन में फाइनली श्रिंकेज होता है, लेकिन अगर ग्रे कास्ट आयरन की बात करें हम लोग, तो ग्रे कास्ट आयरन में ये जो लिक्विड श्रिंकेज है और ये सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, यहाँ श्रिंकेज नहीं होता है ग्रे कास्ट आयरन के केस में। ग्रे कास्ट आयरन के केस में लिक्विड जब यहां से यहां आता तो एक्सपेंशन होता है, और सॉलिडिफिकेशन टाइम में भी एक्सपेंशन होता है, मेटल रहता है उसका। तो यहाँ पे जब, क्योंकि राइजर का इस्तेमाल तो हम लोग लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के लिए ही करते हैं, इसी दोनों श्रिंकेजेस को कंपनसेट करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हमारे ग्रे कास्ट आयरन में श्रिंकेज हो ही नहीं रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो राइजर का इस्तेमाल यहाँ पे कोई खास आवश्यक नहीं होता। अगर ग्रे कास्ट आयरन की बात करें, कास्ट आयरन में तो होगा, ग्रे कास्ट आयरन की बात करें तो राइजर का आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर एल्यूमिनियम और स्टील की बात करें तो इसका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अगर हम लोग देखें तो लगभग लगभग 5.6 होता है, 5.6% वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो यहां पे अगर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हो रहा है तब जरूरत पड़ेगी राइजर की, जैसा कि मैंने अभी लास्ट केस में यहाँ पे बताया, वैसा ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पोर्शन फिल होगा, नीचे से सॉलिडिफाई होता चला जाएगा, फाइनली यहां तक मान लीजिए ये पोर्शन सॉलिडिफाई हो गया है पूरा, लेकिन ये पोर्शन बचेगा मोल्ड कैविटी का जो कि लिक्विड फॉर्म में है और जो सॉलिडिफाई होना चाह रहा है। तो फाइनली यहां पे लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होगा, जिसे कि हम लोग राइजर की सहायता से कंपनसेट करेंगे, इसको कि हम लोग राइजर की सहायता से कंपनसेट करेंगे। उसके बाद कुछ डिजाइंस भी होते हैं, किस प्रकार का हम कास्टिंग बना रहे हैं उसमें भी कुछ सॉलिडिफिकेशन होते हैं, उसको देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का कैविटी है, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का कैविटी है जिसको कि हमको फिल करना है, तो ये मान लेते हैं कि तीन सेक्शंस हैं, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन हो गया, और ये थर्ड सेक्शन हो गया। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एरिया बहुत ज्यादा है, यानी एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो जो है यहां काफी ज्यादा है। इस केस में अगर बात करें, अगर सेकंड को देखते हैं तो एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो कम है, अगर कंपेयर करें इससे तो, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एरिया बाई वॉल्यूम रेशियो काफी कम है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब जहां पे एरिया ज्यादा है, ये वाला पोर्शन बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होगा, ये वाला पोर्शन हमारा बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा।
दिस पोर्शन विल गेट सॉलिडिफाई वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। यानी मान लीजिए यहां से हम अगर मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं, अगर हमारा यहां से मोल्टन मेटल पोर कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले इस पर्टिकुलर एरिया को फिल करेगा। ऐसा फिल करता हुआ वो आगे की तरफ आएगा, इसका मतलब यहाँ पे पूरा सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो इस एरिया को फिल करके सॉलिडिफाई करेगा, और उसके बाद धीरे 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 वो यहां तक मान लीजिए पहुंच गया सॉलिडिफाई करता हुआ। यानी अब यहां पे जरूरत पड़ रही है हमको, ये वाला पूरा मोल्टन मेटल के फॉर्म में है, जो यहाँ पे हमारा मेटल है वो मोल्टन फॉर्म में है, यानी यहाँ पे लिक्विड श्रिंकेज और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज भी होगा। तो यहाँ हम राइजर की मदद से इसको फिल करके श्रिंकेजेस को कंपनसेट कर सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बहुत अच्छा होता है हमारे कास्टिंग के लिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, यानी सॉलिडिफिकेशन यहाँ से कैसे हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन यहाँ से ऐसे हो रहा है, इसे हम लोग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हमारे कास्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हमारे किसी भी पर्टिकुलर कास्टिंग में अगर हुआ है तो वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं रहेगा। चलिए एक दूसरे शेप की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारा जो कैविटी है वो इस प्रकार का है, अगर हमारा कैविटी इस प्रकार का है, तो सबसे पहले इस प्रकार की कैविटी में हीट ट्रांसफर कॉर्नर्स पे होगा, किनारे साइड में होगा, साइड वॉल्स में होगा। तो यहां पे हीट ट्रांसफर हो रहा है हमारे साइड वॉल्स में, तो सबसे पहले ये किनारे का पोर्शन पूरा हमारा सॉलिडिफाई होगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन पहले सॉलिडिफाई होगा हमारा, अगर हमारा मोल्ड कैविटी का शेप इस प्रकार का है तो। फिर धीरे धीरे ये अंदर की तरफ जाएगा, फिर ये पोर्शन पूरा सॉलिडिफाई होगा ऐसे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहां पे इस प्रकार का हॉटस्पॉट का जोन क्रिएट हो जाएगा, जो कि सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा। ये भी सॉलिडिफाई होगा लेकिन सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा। यहाँ पे फिर भी कुछ जोन ऐसा बच जाएगा जो कि एकदम लास्ट में सॉलिडिफाई होगा, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सॉलिडिफाई होने में, और वो कैविटी के फॉर्म में ही बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग, ये जो है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली हॉटस्पॉट बोलते हैं, हॉटस्पॉट। और हॉटस्पॉट हमारे कास्टिंग के लिए बहुत बेकार चीज होती है, ये डिफेक्ट्स क्रिएट करती है। कैविटी हो गया यहाँ पे तो डिफेक्ट हो गया, इसका मतलब ये जो हमारी कास्टिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे पर्टिकुलर हॉट स्पॉट से बचने के लिए हमें जो भी हमारी मोल्ड प्रिपरेशन होता है उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन नहीं हुआ है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है कि एक तरफ से सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और लास्ट तक गया। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हमारा नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक एल शेप लेते हैं, इस प्रकार का मान लीजिए हमारा मोल्ड कैविटी है, यहां से मोल्टन मेटल पोर कर रहे हैं हम लोग, ये सॉलिडिफाई तो हो रहा है यहां से ऐसे, लेकिन कई बार ये जो कॉर्नर वाले पोजीशन हो जाते हैं यहां पे भी वही समस्या क्रिएट होती है जो यहां पे हुई है। तो यहां पे भी ये कॉर्नर्स वाले तो हो जाते हैं सॉलिडिफाई पहले, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो बच जाता है, यहां पे भी हमारा क्या है, हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है। तो इसी हॉटस्पॉट से बचने के लिए हम लोग चिल्स लगाते हैं, चिल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं चिल्स मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे कि हम लोग कॉर्नर्स पे प्लेस करते हैं जिससे कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ सके। तो ये हमारे चिल्स हैं। तो इस प्रकार के हॉटस्पॉट से बचने के लिए हम लोग चिल्स प्लेस कर देते हैं कॉर्नर्स पे, दीज आर चिल्स। तो इस प्रकार से हम लोग राइजर डिजाइन में जो भी मोल्ड कैविटीज होती है उसका ध्यान रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।